अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी फिर हम अपने जंगल में आ गए हैं साल्ट रेंज में। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। ये भाई लोग इधर ही होते हैं, अपने दोस्त हैं, अब्दुल्ला भाई हैं, वो पीछे उमैर है छोटा, और ये ख़ान साहब स्वात से आए हुए हैं इधर। ये भी एक मिशन पे काम कर रहे हैं इधर, वो मिशन भी आपको दिखाएंगे किसी दिन। तो कल हम मोर तो नहीं देख सके थे, आवाज़ें हमने बड़ी सुनी थी इस जंगल में। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट है। अभी हम जंगल में ट्रैक हमने शुरू कर दिया है अपना। अब देखते हैं कि जंगल के पास क्या है हमें ऑफर करने के लिए आज। लेट्स सी। अभी मैं एक अच्छी पेस के साथ बस चलता जा रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि मैं जा के कैमरा ट्रैप पहले देख लूँ, क्योंकि बारिश भी होने वाली है और शेल्टर भी अगर हमें मिल सकता है तो उसी घने जंगल में मिल सकता है अगर तेज़ बारिश हो जाती है। ये ओपन ग्राउंड है, यहाँ पे बारिश होगी तो सारा सीन बैड हो जाएगा। ये जो बुत्ती नज़र आ रही है आपको, पिलर सा, ये वो है हदबंदी वाला, लेकिन ये बहुत पुराना है। ये कहते हैं कि शेरशाह सूरी के ज़माने में ना ये हदबंदी के स्टोन लगे थे। कैमरा आके मैंने चेक किया है, लेकिन इसने आज भी कुछ भी कैप्चर नहीं किया। मुझे लगता है इसमें कोई फॉल्ट आ गया है, मेमोरी कार्ड इसका ठीक नहीं मुझे लग रहा। मैंने इसको चेंज तो कर दिया है। एक बात तो कंफर्म है कि इधर कोई ना कोई चीज़ आई थी। ये हो सकता है कि पोर्कोपाइन की हो, उसने यहाँ से ना फीड करने की कोशिश की है, तो इसको कैप्चर करना चाहिए था, इसने किया नहीं है। कार्ड शार्ड मैंने इसका अब चेंज कर दिया है, देखें क्या बनता है। और टेस्ट मैं करता हूँ इसको ना इधर खुद भी मूव करके आगे, आज इसको फंक्शनल करके फिर जाता हूँ। अभी एक पॉइंट पे मैं पहुंच तो गया हूँ। हवा भी बड़ी मज़े की चल रही है, बारिश हल्की हल्की बारिश हो रही है। एक ईगल जो है वो ऊपर घूम रहा है, शायद किसी चीज़ के ऊपर जो है ना चक्कर काट रहा है। कुछ देर इधर बैठते हैं, अगर बारिश तेज़ हो जाएगी तो फिर हमें कुछ शेल्टर ढूंढना पड़ेगा। मौसम बहुत मज़े का है। आज का सारा वक्त मोरों को चेज़ करने में गुजरा है। पहले तो दो दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं बिल्कुल करीब पहुंच गया था, लेकिन उन्हें समझ आ गई और वो फ्लाइट ले के गायब हो गए। तीसरी बार जाके थोड़ा सा कैप्चर हुआ है जो अभी आपने देखा है। मुझे नहीं पता था कि मोर इतने शाये होते हैं और इनकी जो हेयरिंग की सेंस है वो बहुत ज़बरदस्त है। हालाँकि मैंने पूरी खामोशी के साथ, बड़ा सब्र के साथ पीछा किया है, लेकिन बड़ा पहले पता चल जाता है इन्हें। खैर, इनके साथ अभी हमारा सीन बड़ा ज़बरदस्त चलेगा। आज की वीडियो इधर एंड है, कल फिर हम आएंगे। कैमरा ट्रैप भी होपफुली सही फंक्शन करे तो उधर भी हो सकता है कि हमें नज़र आ जाए मोर, या उधर खरगोश भी आ सकते हैं, पेंगुलिन भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, बस कैमरा ट्रैप हमारा जो है ना वो काम कर जाए। अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।